हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पहले आप सब लोग खुश हो जाओ, जितने भी दमन के सपोर्टर है, ओडी इंडस्ट्री के सपोर्टर है और ऐसे अच्छे मूवी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, टाइटल तमिल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जी हाँ, दमन हिंदी में री रिलीज होने वाला है, यानी दमन फिर से रिलीज होगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदल जाए। यानी दमन जब ओडिशा के बाहर फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था और वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ 3 फरवरी को, उसके बाद 15 दिन तक ये एंड उसके बाद धीरे धीरे दमन हिंदी के जितने भी शोज थे उन सभी को हटा दिया गया। एंड उसका कारण यही दिया गया कि नए बॉलीवुड मूवीज रिलीज हो रहे, हॉलीवुड मूवीज रिलीज हो रहे हैं, इसी वजह से इस मूवी को हटाया जा रहा है और हिंदी के अंदर दमन का कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं था। ये सभी चीजें कह के दमन के जितने भी शोज थे वो धीरे धीरे 15 तारीख के बाद हटा लिए गए। रियलिटी ये था कि जब ये मूवी रिलीज हुआ था 3 फरवरी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पे, तब उसको मैक्सिमम 200 स्क्रीन्स मिला था, जहां पे उसको 500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स मिलना चाहिए था और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता उसको और स्क्रीन्स देना चाहिए था, जिससे कि ये मूवी ज्यादा से ज्यादा फैल सके, लोगों तक पहुंच सके और लोगों को भी पता चले कि ऐसा मास्टरपीस मूवी रिलीज हुआ है, फिर जाके लोग थिएटर में आए और ये मूवी हाउसफुल हो। अगर वैसा होता तो अब तक अपने 17वें दिन तक भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस के अंदर डट के कमाई करता, उसके सामने कितनी भी बॉलीवुड मूवी से क्यों ना आ जाए, कितनी भी हॉलीवुड मूवी से क्यों ना आ जाए, एक अच्छा रियल स्टोरी पे बेस्ड ये मूवी लोग सपोर्ट भी करते और उसको देखते भी और आज भी ये मूवी चलता और ये वीडियो में नहीं बना रहा होता कि भाई वो री रिलीज हो रहा। तो अभी जो भी हो वो हो गया, अब इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं, आई होप आप लोग भी समझ रहे हो। तो इसको लेके इस हिसाब से एक प्रॉपर वीडियो मैं आज सुबह बना चुका हूं, जाके देख लेना, आप लोग क्लियर हो जाओगे। तो अभी बात करते हैं कि री रिलीज का क्या सीन है। तो ये रिलीज थोड़ा अलग होगा, यानी ये थिएटर में नहीं, दमन का हिंदी वर्षन अब OTT पे रिलीज होने वाला है। तो ये अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि दमन का हिंदी वर्षन अब OTT पे रिलीज होने वाला है। OTT पे यानी Amazon Prime पे दमन का हिंदी वर्षन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे डेट अनाउंसमेंट होता है, जैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है, मैं जरूर से आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन Amazon Prime के अंदर दमन का OTT वर्षन आने वाला है और ये लगभग कंफर्म्ड है। जैसे एक ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी आता है, मैं जरूर से आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों को ये न्यूज कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। और ये अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी हो रहा है और अभी तक ना जब ये मूवी हिंदी में रिलीज हुआ था, जिस तरीके से उसको रिलीज किया गया, स्क्रीन्स नहीं दी गई, सभी चीज आप लोग जानते हो। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी दमन को हिंदी में देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पाए हैं। तो इसीलिए अगर ये OTT पे आएगा तो सभी लोग देख सकते हैं, ये फैलेगा। अगर ये OTT के अंदर एक सक्सेस हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये सभी लोग देखेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि दमन के लिए शायद वो थिएटर में उस लेवल पे कमाई ना कर पाया हो, लेकिन ओडी इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इस मूवी से लोगों का माइंडसेट बदलेगा कि इस इंडस्ट्री से भी अच्छे मूवीज आ सकते हैं। तो लोग एक पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थ्रू से लोग इस इंडस्ट्री को देखेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री से भी अच्छे मूवीज आते हैं, तो फ्यूचर में इनके जितने भी मूवीज आएंगे ना उसके लिए काफी सही होगा। जितने भी मूवीज आएंगे वो अगर उस लेवल पे हो तो उसको उस हिसाब से सपोर्ट मिलेगा ऑडियंस की तरफ से, तो ये काफी अच्छा हो सकता है। तो आप लोग इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो तो आप लोगों को क्या कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल अच्छे वीडियोस हम आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5000 फैमिली बहुत क्लोज है, तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करोगे तो आज कल परसों हो जाएगा और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।